अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। मस्टैश व्हील्स में गौहर एक बार फिर आपके साथ है और आज हम लोग प्रोटॉन X70 का रिव्यू कर रहे हैं जो कि प्रीमियम मॉडल है। और पहले हमने रिव्यू किया था ऑल व्हील ड्राइव का, आज हम रिव्यू करेंगे प्रीमियम मॉडल का। और क्योंकि पाकिस्तान में दो मॉडल लॉन्च हैं, एक ऑल व्हील ड्राइव है और एक प्रीमियम एक्स है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आज जो ऑल व्हील ड्राइव है और प्रीमियम और प्रीमियम एक्स में क्या फ़र्क है। अगर आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो उसमें आप लोगों को पता होगा कि ऑल व्हील ड्राइव में क्या ऑप्शंस थे और गाड़ी की प्राइस मैंने वहाँ पे शेयर की थी और सारी डिटेल्ड रिव्यू है, तो प्लीज़ गो एंड चेक दैट आउट। और आज मैं आपको X70 प्रीमियम का बताऊँगा कि इसमें क्या क्या फ़ीचर्स फंक्शंस हैं और चॉइस इज़ योर्स, आप कौन सी गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं। तो आइए रिव्यू शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इसके एक्सटीरियर लुक की बात करते हैं तो प्रीमियम मॉडल लें, ऑल व्हील ड्राइव लें या प्रीमियम एक्स मॉडल लें, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसके एक्सटीरियर में। जो चीज़ें डिफरेंट है वो मैं आपको थोड़ी सी बताता हूँ उसके अंदर। इसका फ्रंट शो पूरा वैसे ही है, HIDs जो हैं वो इसमें वैसे ही हैं जैसे सारे मॉडल्स में आती हैं, ये एक अच्छी बात है। और इसका जो फ्रंट लिप देख रहे हैं आप, ये भी बिल्कुल सिमिलर ही है, तो हर चीज़ इसकी सिमिलर है। इसमें जो अडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है उसके लिए जो सेंसर है वो यहाँ पर दिया हुआ है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपको हेल्प करता है जो है सारे फंक्शंस में। इस गाड़ी के अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जैसे लेन डिपार्चर फीचर है इसमें, लेन असिस्ट फीचर है, और स्पेशली मुझे और जो X70 की बहुत रिस्पॉन्सिव चीज़ लगती है वो जो इसके सेंसर्स हैं कि अगर आप कोई भी बाइक आपके साइड से गुजर रही है, कोई ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग है, तो इसके सेंसर्स बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं, वो मैं आपको दिखाऊँगा अंदर। और इसके जो व्हील्स हैं वो 19 इंच के व्हील्स हैं ऑल व्हील ड्राइव में, और दूसरे मॉडल्स में जो प्रीमियम मॉडल नहीं है उसके अंदर 18 इंच व्हील्स हैं, इसके अंदर 19 इंच बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्टीनेंटल के व्हील्स हैं, तो दिस इज़ एन एडेड एडवांटेज। दूसरी एक और चीज़ ये है कि इस गाड़ी के अंदर सनरूफ और मूनरूफ नहीं है क्योंकि ये प्रीमियम एक्स मॉडल नहीं है। तो आप प्रीमियम एक्स मॉडल अगर ले रहे हैं तो उसके अंदर आपको सनरूफ और मूनरूफ की ऑप्शन मिलेगी। और बाकी की चीज़ें मैं आपको इंटीरियर में बैठ के दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं एज़ कम्पेयर टू ऑल व्हील ड्राइव और अदर मॉडल्स के। लेट्स गो दोस्तों, मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है तो आपको एक और फीचर बताता हूँ इसके अंदर कि इसका जो बूट है वो आप ओपन कर सकते हैं बगैर अपना हाथ टच किए। अगर आपके हाथ में सामान है और चाबी आपकी जेब में है तो मेक श्योर इसकी जो चाबी है वो आपकी जेब में हो, एंड यू जस्ट हैव टू डू दिस। एक बार आप करेंगे तो आपका बूट जो है वो ओपन हो जाएगा। बूट स्पेस मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ कि इसका बूट स्पेस बहुत ही ज़बरदस्त है, और अगर दोबारा आपने बूट बंद करना है तो आप इसके टच से भी बूट बंद कर सकते हैं इसका, और दोबारा से आप एक बार सेंसर के नीचे से टांग अपनी गुजारेंगे तो बूट ऑटो लॉक हो जाएगा। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त फीचर है जो ऑल व्हील ड्राइव में नहीं है, प्रीमियम मॉडल में है और प्रीमियम एक्स में भी अवेलेबल है। इसके इंटीरियर की बात कर लेते हैं। इंटीरियर बहुत ही खूबसूरत है, आप देख सकते हैं कि लेदर फिनिश सीट्स हैं इसकी, नापा लेदर सीट्स हैं। ऑल व्हील ड्राइव में भी लेदर सीट्स हैं बट नापा फिनिश नहीं है। और दूसरा, इसकी जो लेफ़्ट ड्राइवर विदाउट ड्राइवर सीट जो है ये भी फुली फंक्शनल सीट है और फुली इलेक्ट्रिक सीट है ये। अगर कोई पीछे बैठा हुआ है तो उसके लिए कंट्रोल्स हैं ये, सो यू कैन कंट्रोल फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। और ये एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। इसका जो इंटीरियर का कलर है लेदर इंटीरियर का और लेदर सीट्स का वो बहुत ही अमेजिंग है।
बाकी सिमिलैरिटी सारी एक ही जैसी हैं, सिल्वर फिनिश है इसके अंदर, और आप देख सकते हैं इंटीरियर में जो है वो ये पार्ट जो इसका गियर नॉब है, जैसे ऑल व्हील ड्राइव CBU यूनिट का आपने देखा था उसका गियर नॉब डिफरेंट था। अगर आपने गाड़ी पी पे कन्वर्ट करनी है या पार्क करनी है तो आप डायरेक्ट पी प्रेस करेंगे और गाड़ी पार्किंग मोड में चली जाएगी। बाकी सारी चीज़ें सेम है, पार्किंग असिस्ट है इसके अंदर, हिल असिस्ट है, डाउन हिल असिस्ट है, स्पोर्ट्स मोड है, इको मोड है, ये इसकी पार्किंग ब्रेक्स हैं, ऑटो होल्ड फंक्शन है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, एवरीथिंग इज सिमिलर टू ऑल व्हील ड्राइव मोस्टली, अपार्ट फ्रॉम द लेदर सीट्स, और इसकी जो लेफ्ट वाली सीट है वो इलेक्ट्रॉनिक है, फुली इलेक्ट्रॉनिक है। दूसरा फंक्शन इसके अंदर और बहुत ज़बरदस्त ये है कि इसके अंदर जो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग है ये दी गई है उन्होंने, तो अगर कोई बाइक वाला आपके साथ साथ चल रहा है तो वो बहुत ही अच्छा फीचर है कि आप ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग से आपको पता चल जाएगा अगर रात को अंधेरा है तो भी, ये बहुत ही इसका ज़बरदस्त फीचर है। दूसरा इसके अंदर जो है वो लेन असिस्ट है, लेन डिपार्चर इसका बताता है वो कि लेन डिपार्चर अगर आप कर रहे हैं, जैसे अगर हम इसकी सेटिंग्स में जाएं और सेटिंग्स में जाके आप देख सकते हैं कि ये इसकी व्हीकल सेटिंग्स है, और व्हीकल सेटिंग्स के अंदर एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस प्रोग्राम है, ये देखें ये इसके अंदर प्री कोलिजन सिस्टम है, PCS, ऑटोनोमस एमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम है, AEB, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग सिस्टम है, और ये सारे सिस्टम्स ऑन है। आप चाहें तो इसको यहाँ पे टर्न ऑफ भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे इसमें लेन डिपार्चर है और ब्लाइंड स्पॉट इंफॉर्मेशन है तो जब गाड़ी गुजरती है ये बीप बीप करता है, सो यू कैन टर्न ऑन ऑल दीज ऑप्शंस एंड टर्न ऑफ ऑल दीज ऑप्शंस, सो विच इज़ ग्रेट। ये ऑप्शंस जो हैं ऑल व्हील ड्राइव मोड में नहीं हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा कि ये जिसका कैमरा है वो कितना रिस्पॉन्सिव है और वो कितना अच्छा व्यू देता है। तो जैसे ही गाड़ी आपके करीब कोई ऑब्जेक्ट आता है तो फौरन कैमरा आपको यहाँ पे डिस्प्ले देता है, चाहे वो बाइक वाला गुजरे, चाहे वो कोई बिल्ली हो या कोई भी बंदा हो, सो यू कैन सी इन योर डिस्प्ले यूनिट। ये देखें, ये जैसे ही बंदा गाड़ी के बराबर से गुजरा तो ये आपको व्यू दिखाता है कि ये लेफ्ट से गुजरेगा या ये राइट से गुजरेगा, और आप अपना यहाँ पे कैमरे में बहुत ही क्लियर व्यू देख सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है इसकी कि आपको अंदर बैठे बैठे लेफ्ट और राइट का जो है वो पूरा व्यू मिल जाता है। इसका जो म्यूज़िक सिस्टम है उसके जो स्पीकर्स हैं इस मॉडल के अंदर, जो प्रीमियम मॉडल है, 9 कैनवुड के स्पीकर्स हैं अलॉन्ग विद सबवूफर और पावर एम्पलीफायर। तो इसका जो म्यूज़िक सिस्टम है आई थिंक आपको कोई और चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है एडिशनली, अनटिल एंड अनलेस आपको बहुत ज़्यादा म्यूज़िक का शौक है। तो जितना म्यूज़िक मैंने इसका सुना है तो बहुत ही अमेजिंग और क्रिस्प वॉइस है अलॉन्ग विद दी अदर फीचर्स। तो आई थिंक ये गाड़ी पूरी एक पावर पैक है विद 1.8 इंजन और टर्बो है। पाकिस्तान मार्केट में जो इंजन आ रहे हैं वो 1.5 हैं, तो आई एम नॉट श्योर कि वो उनका रिस्पांस टाइम कितना अच्छा होगा। हमने आज के वीलॉग को जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट किया है क्योंकि डिटेल्ड रिव्यू ऑल व्हील ड्राइव का हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, और इसमें हमने डिफरेंसेस आपसे शेयर किए हैं कि इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं अगर आप ऑल व्हील ड्राइव लेते हैं और अगर प्रीमियम या प्रीमियम एक्स मॉडल लेते हैं तो उसमें कितना डिफरेंस है, वो मैंने आपसे आज शेयर किया। मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, आज का रिव्यू कैसा लगा। मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त बारिश हो रही है, तो आज का जो वीडियो है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, आपके घर वाले ठीक ठाक होंगे, और मुझे दुआ में याद रखिएगा, और मैं भी आप लोगों के लिए दुआ गूँ कि आप लोग हर किस्म की बीमारियों से और मुसीबतों से दूर रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीलॉग में, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।